हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, आज के इस वीडियो में पूरा हम डिटेल में इस पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है व्हीटस्टोन सेतु। तो सबसे पहला तो यही बात आता है कि व्हीटस्टोन सेतु हमारे लिए क्यों उपयोगी है, व्हीटस्टोन सेतु से होता क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है, याद रखेंगे व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है, एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको लिख लेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिद्धांत आपको लिखना ही होता है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, तो देखिए इसका सिद्धांत जो है ना, उसको समझने के लिए, उसको याद करने के लिए मैं यहां पे एक फिगर बना रहा हूं। इस फिगर को आपको ध्यान से समझना है। यदि आप फिगर को समझ गए तो आपको सिद्धांत इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु में आपको सबसे पहले इस तरीके से चार आपको बिंदु को ले लेना है। थोड़ा सा मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है जी। हमने ऐसे चार बिंदु ले लिए। अब इन चारों बिंदुओं को आपस में हम ऐसे मिला देंगे। देखिए फिगर बनाने का भी तरीका आपको सीखना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इस तरीके से मैं मिला दे रहा हूँ, देख रहे हैं। तो ये हमने चार बिंदु लिए और चार बिंदुओं में से एक बिंदु को इस तरीके से, थोड़ा सा एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है, और इसको डी मान ले रहे हैं। तो ये देख रहे हैं ये एक चतुर्भुज की तरह है कि नहीं। अब इसमें चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज है, इसमें संलग्न चार भुजाएँ हैं, तो चारों भुजाओं में प्रतिरोध रहेगा। तो इस प्रतिरोध को मैं थोड़ा सा ऐसे दर्शा दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा सब कुछ अच्छे से। थोड़ा सा फिगर आपको बना लेना, सीख लेना है। देखिए कैसे हम बना रहे हैं। सबसे पहले चार क्या है, एक चतुर्भुज है जिस पे चार क्या है, प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक प्रतिरोध क्या है, एक है P है, एक Q है, एक R है, एक S है। ये चार प्रतिरोध हैं। अब इसका देखिए दो विकिरण है, एक विकिरण ये है, तो एक विकिरण में क्या लगा है, एक विकिरण में धारा मापी लगा है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर की भी कहते हैं, धारा मापी, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे विकिरण में, दूसरे विकिरण में क्या है, दूसरे विकिरण में कुंजी और सेल या बैटरी हम कह सकते हैं लगा है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए, पहले में क्या लगा है भैया, पहले में धारा मापी लगा है, दूसरे में सेल या कुंजी लगाया गया है। तो ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु का फिगर। अब इसको थोड़ा सा आपको याद कैसे करना है, सबसे पहली बात इसको हमने क्या कहा, इसको आप ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध है कि नहीं। तो आप कहेंगे किसी चतुर्भुज के, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, ध्यान से सुनेंगे, चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं। ये एक चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं हैं कि नहीं, एक दूसरी तीसरी और चौथी, चार भुजाएं हैं। तो यही हम कह रहे हैं किसी को चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित है, तथा इसके एक विकिरण में धारा मापी तथा दूसरे विकिरण में सेल तथा कुंजी लगा हुआ है, तब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के
दो भुजाओं पर स्थित चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है सिद्धांत इसका, यही आपको याद करना है और इसी सिद्धांत को अपने शब्दों में लिखना होता है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको थोड़ा सा इसको समझ कर याद करना होगा, रट्टा मारेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित है तथा इसके एक विकिरण में धारा मापी और दूसरे विकिरण में कुंजी तथा सेल लगे हैं। तब धारा मापी का विक्षेप यदि शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए यदि आपको एक बार सुनने में या दो बार सुनने में याद नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी आप वीडियो को पीछे कीजिए और बार बार इसको सुनिए, जैसे मैं यहीं से देखकर सब कुछ बोल रहा हूँ ना, तो यहीं से आप सुन सुनकर याद कीजिए। आशा करते हैं कि आपको सिद्धांत याद हो जाएगा। तो चलिए मैं सिद्धांत को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखिए हमने सिद्धांत आपको लिख दिया है। देखिए इतना बड़ा हमने सिद्धांत जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, आपको यहीं से याद करना है। देखिए आपको मैं एक बार और बोल कर सुना रहा हूँ, आप क्या कहेंगे, यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हो तथा इसके एक विकिरण में धारा मापे तथा दूसरे विकिरण में कुंजी तथा सेल लगे हो और धारा मापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है आपका सिद्धांत। और यही बात हमने लिखा है, यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हो तथा इसके एक विकिरण में धारा मापी तथा दूसरे विकिरण में सेल तथा कुंजी लगे हो तब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो तब चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आप यहीं से इसको देखकर आप इस सिद्धांत को लिख देंगे। अब हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करना होता है। जब भी आपसे एग्जाम में बिड स्टोन सेतु का सचित्र वर्णन कहता है या बिड स्टोन सेतु पर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा डिटेल में आपको लिखना होता है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें इतनी बात जानना होगा, यदि इस सेल से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा इस तरह से जाता है और इसमें जब जाएगा तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे संधि है कि नहीं, तो यहाँ से दो भाग में इधर भी धारा बहेगा और इधर भी बहेगा, बिल्कुल बहेगा। तो इधर मान लेते हैं आई वन धारा बह रही है और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ से भी दो रास्ते हैं, तो इसमें जब जाएगी तो इसको गैल्वेनोमीटर में जा रहा है तो आई जी हम धारा मान ले रहे हैं और इधर जाएगा तो इसे हम आई टू धारा मान ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आई वन गया और जब इधर बह रहा है तो जो गैल्वेनोमीटर में है तो इसको हम आई जी और इधर हमने आई टू मान लिया। अब देखिए इधर जो धारा बहेगी इसको हम आई थ्री मान लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर आई फोर इसको मान ले रहे हैं और फिर से यहाँ से सभी धाराएं मिलकर फिर से यहाँ से आई बनकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो इतनी बात आप समझ गए। तो ये धारा बहने की हमने बता दिया। अब देखिए सबसे पहला दो बार हमें क्या लगाना है, किरचॉफ का द्वितीय प्रथम नियम लगाना है और दो ही बार किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है तभी जाकर ये प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले आपको इतने बात तो पता ही होना चाहिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम होता क्या है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आशा करते हैं आप किरचॉफ का नियम पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ज़रूर आप किरचॉफ का नियम पढ़िएगा जिससे और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए तो एक ये विकिरण है
तो इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे एक संधि है, तो बिंदु हम लिख सकते हैं बिंदु बी पर, बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब प्रथम नियम में क्या बताया गया है, ये एक संधि है, तो हमने यही बताया था प्रथम नियम में कि किसी संधि की ओर जाने वाली और आने वाली, जाने वाली और मतलब किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये बात हमने बताया था। तो देख रहे हैं ये धाराएं जा रही हैं और ये इधर से निकल रही हैं, तो आने वाली और जाने वाली जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए ये धाराएं जा रही हैं तो इसको हम आई वन ले लेंगे। अब देखिए ये संधि की ओर जा रही हैं इसलिए हमने इसको प्लस लिया, और जो संधि से निकलती हैं उसको हम माइनस लेते हैं, ये हमने चिन्ह परिपाटी में बताया था। तो इसको ये आई जी है ये निकल रही है तो इसको हम माइनस लेंगे, और ये आई टू भी निकल रहा है तो इसको भी हम माइनस टू लेंगे, माने आई टू लेंगे, और इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है तो हमने शून्य लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि देखिए चूँकि हम इतना बात जानते हैं कि यहाँ पे जो आई जी का मान है ना वो शून्य होगा, क्यों शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है तो वहाँ पर धारा मापी का विक्षेप शून्य है, तभी तो है ना, तो यहाँ पे धारा मापी का विक्षेप शून्य है अर्थात सेतु संतुलन है, इसलिए ये आई जी का मान शून्य हो जाएगा। जब इसका मान शून्य हो गया, इसका मान शून्य हो गया, और ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आई वन इजकल टू आई टू मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें यही पता चला कि जो I1 है वो I2 के बराबर है, मतलब ये जो I1 धारा है ये I2 के धारा के बराबर है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब फिर से हम लगाएंगे बिंदु, हम यहाँ पे लिखते हैं बिंदु, अब बिंदु D पर, अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु, या आप संधि भी लिख सकते हैं बिंदु की जगह पर, बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये संधि की ओर इधर जा रही है तो इसको हम आई, इसको हम प्लस में लेंगे आई थ्री को, और देखिए ये संधि से, ये संधि है और इधर से आई फोर धारा निकल रही है तो इसको हम माइनस लेंगे, और इसको बीजगणितीय योग शून्य होता है तो हमने शून्य ले लिया। अब इधर ये जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें यही मिलेगा कि आई थ्री इजकल टू आई फोर मिलेगा, ये हमें मिलेगा। तो देखिए इसको हम समीकरण दो मान लेंगे, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने दो बार किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया कि नहीं, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, दो बार हमने प्रथम नियम लगा दिया। अब हमें दो बार द्वितीय नियम लगाना है, और द्वितीय नियम हम जानते हैं बंद जाल के लिए लागू होता है। तो यहाँ पे यदि देखते हैं तो दो बंद जाल हैं, एक है ये ए बी डी ए, और एक है ए बी सी डी बी, दो बंद जाल है कि नहीं, एक है ए बी डी ए और एक है बी सी डी बी। तो सबसे पहले हम ए बी सी ए बी डी ए में हम लगाएंगे, तो हम लिखते हैं बंद जाल, यहाँ पे हम लिखते हैं बंद जाल ए बी डी ए में किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ये हमने लिख दिया। तो बंद जाल ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी प्रतिरोध तथा उसके मतलब किसी प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब उसके साथ सिंपल है, मैं आप समझें यदि नियम नहीं याद है तो देखिए ये जो धारा है हम इसमें ले रहे हैं ना, तो ये जो धारा है इसके संगत जो प्रतिरोध है इनका गुणनफल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधा डायरेक्ट लिखेंगे I1 और P लिखेंगे। अब देखिए ये इधर जा रहा है तो इसलिए हम इसको हमने ले लिया प्लस में, उसके बाद हम इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा IG
इंटू जी हो जाएगा। फिर से इसको माइनस लेंगे क्योंकि बाहर निकल रहा है। देखिए इतनी बात आपको याद रखना है कि ये जो धारा की दिशा में, यदि हम इस दिशा में चलते हैं और ये धारा भी इसी दिशा में बह रहा है, यदि हम धारा की दिशा में हम भी चलते हैं, मान लेते इस दिशा में आप भी चल रहे हैं और धारा भी इस दिशा में बह रहा है, तो उसको हम प्लस लेंगे। और यदि धारा के विपरीत, मान लेते हैं धारा इस दिशा में बह रही है, आप इस दिशा में चल रहे हैं, तो उस वाले को हम निगेटिव लेंगे। तो देखिए मान लेते हैं हम इस दिशा में चल रहे हैं और जब चल रहे हैं तो यहाँ पे I1 आया, तो I1 P इसको हम प्लस ले लिए। फिर से यहाँ से हम इधर मुड़ेंगे क्योंकि A B D A हम लिए हैं, तो इधर जब मुड़ेंगे तो IG की दिशा इस दिशा में और हम भी चल रहे हैं इस दिशा में, तो इसीलिए इसको भी हम प्लस लेंगे। अब यहाँ से फिर से हम इधर मुड़ेंगे, हमारी दिशा है इस दिशा में और इसकी दिशा है इस तरीके से, तो इसीलिए I3 को माइनस लेंगे। तो यहाँ पे I3 और ये R के साथ है, प्रतिरोध है, तो ये I3 लिख देंगे और इसका बीजगणित योग शून्य होता है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सेल तो इसमें है नहीं, तो इसलिए हमने जीरो लिख दिया। अब ध्यान से समझेंगे, ये IG का मान हम जानते हैं सेतु संतुलन की स्थिति में है, तो इसका मान जीरो, तो इसमें जीरो में G का गुणा होगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मान मतलब ये पूरा मान जीरो हो गया, तो यहाँ पे I1P इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर प्लस में जाएगा तो I3 R हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक और मिला है जिसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा एक और यहीं पे हम कर दे रहे हैं, इतना जगह है, आप लिख लीजिएगा बंद जाल। मैं आप लिख दे रहा हूँ बंद जाल BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, कितना किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए इसमें भी हम लगाएंगे, तो यदि हम यहाँ से इस दिशा में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए दिशा भी इस दिशा में है, हमारे चलने की दिशा भी इस दिशा में, इसका मतलब I2 जो है I2 और ये क्या है Q है, तो I2 Q इसको हम प्लस लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस दिशा में चलते हैं तो देखिए इसकी दिशा किस दिशा में है, ये हम इस दिशा में आ रहे हैं, ये इस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब इसको माइनस लेंगे, तो इसको हम क्या लेंगे -I4S लिख देंगे। और उसके बाद यदि हम यहाँ से इस दिशा में चलते हैं और तो देखिए यहाँ पर धारा की दिशा इस दिशा में है, हमारी चलने की दिशा इस दिशा में है, इसका मतलब इसको भी माइनस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा IGS इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको अब देखिए इसका मान तो शून्य हो जाएगा क्योंकि IG का मान शून्य है, तो ये भी शून्य हो जाएगा, ये G है, तो यहाँ से क्या मिलेगा I2Q इक्वल टू, ये इधर इक्वल टू की इधर जाएगा तो I4S मिल जाएगा, ये हमें मिल गया I4S मिल गया, तो इसको समीकरण 4 मानेंगे। आशा करते हैं अब आपका हल हो गया है। थोड़ा सा मैं देख लूँ उधर दिखाई दे रहा है ना, चलिए बेहतर है। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया, ये सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए जब इतना आपने हल कर लिया तो अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 में से 4 को भाग दे देना है। तो यदि आप समीकरण 3 में 4 का भाग देते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आप ले लीजिएगा। देखिए यदि हम भाग देते हैं समीकरण 3 में से 4 को तो आप क्या लिखेंगे I1P/, थोड़ा सा इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, हम लिखेंगे I1P, अब भागें किससे, हम देंगे I2Q से, इक्वल टू इधर वाले को इधर वाले से भाग देंगे तो I3R आप बटे क्या लिखेंगे I3R/I4S। ठीक है, इतना हमने लिख दिया समीकरण 3 में से 4 को भाग दिए हैं, तो इधर वाले पक्ष को इधर वाले से, इधर वाले पक्ष को इधर वाले से हमने भाग दे दिया। अब देखिए ये I1 से I2 कैंसिल हो जाएगा, I3 से I4 कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो आप देखिए समीकरण फर्स्ट में ही बताया गया है कि I1 जो है वो I2 के बराबर है, तो जब I1 I2 के बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो I3 है वो I4 के बराबर है तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हो गए तो ये आप लिख लेंगे इधर समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट और सेकेंड से ऐसे आप लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा PQ/RS, यही तो बचा केवल ना, यही तो बचा, यही तो आपका फॉर्मूला है ना, तो यह आपका प्रूव्ड हो गया PQ/RS। देखिए PQ/RS,
ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, मैं एक बार नीचे देख लूँ। चलिए बहुत ही अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हमने क्या किया है। सबसे पहले आपको लिखना है विद्युत जो क्या दे व्हीटस्टोन सेतु दे, तो आप लिखिएगा व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत पर्वत होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आपको लिखने के बाद आपको सिद्धांत लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब उसको आपको यहाँ से याद करना है जैसे हमने आपको याद कराया है। उसके बाद इस फिगर को बनाइएगा, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सिद्ध लिखकर आपको यहाँ से लेकर आपको सीधा यहाँ तक लिखकर उसके बाद नीचे फिर से ये लाइन लिखकर आपको प्रूफ करा देना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि दोस्त आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आशा करते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे यदि आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछ रहे थे कि सर आप क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स की केमिस्ट्री की आप पढ़ाई कर रहे हैं परंतु फिजिक्स का आप नोट्स कब अवेलेबल करा रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि फिजिक्स का जो नोट्स है, जो फिजिक्स है, इसका नोट्स मैंने स्वयं अपने हाथों से बना दिया है। यदि आपको नोट्स लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ओनली 69 रुपये में आपको पूरी फिजिक्स के 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है, 14 चैप्टर का हिंदी मीडियम में नोट्स दिया जा रहा है। आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप हमारी टीम से मैसेज करेंगे, आप केवल व्हाट्सएप पे लिखेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स की नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स दे देंगे, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप भी क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम सभी वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। आप जाइए यूट्यूब पर, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट हमने बनाया है, रेगुलर आपके लिए सीरियस होकर वीडियो अपलोड कराया जा रहा है, तो वहाँ से जाकर उसकी पढ़ाई कीजिए। और जो भी स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नोट्स ले रहे हैं तो उसका सही उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम रुपए में आपको नोट्स दिया जा रहा है पूरे 14 चैप्टर का, तो आप उसका गलत उपयोग करें। और ऐसा नहीं है कि आप नोट्स ले लिया उसको पढ़ाई ही ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसको अच्छे से पढ़ाई करना है, उसको अपने कॉपी पेन में लिखना है या उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।